दोस्तों अब तक तो चाइना ही दूसरे देशों को चूना लगाकर घटिया प्रोडक्ट बेचता था लेकिन अब चाइना के आयरन ब्रदर यानी कि पाकिस्तान ने भी यही काम शुरू कर दिया है चाइना और पाकिस्तान इन दोनों ही देशों की तरफ से इस बार उस देश को चूना लगाया गया है जो खुद ही एक तानाशाह का देश है और आज इसी देश की तरफ से पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी गई है यहाँ पर मैं म्यांमार की बात कर रहा हूँ दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि 2018 में म्यांमार पाकिस्तान के पास 16 की संख्या में जे एफ सेवेंटीन थंडर खरीदने गया था जिसको लेकर पाकिस्तान और म्यांमार के बीच डील भी साइन हो गई थी और पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि हम आपको 16 की संख्या में जे एफ सेवेंटीन थंडर फाइटर जेट 2021 तक दे देंगे और डील के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ ऐसी दो तक म्यांमार को सभी जेफ सेवेंटीन थंडर फाइटर जेट दे दिए गए थे जिसको देखकर म्यांमार भी बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था लेकिन अब पाकिस्तान के ये टेंथ जनरेशन के फाइटर जेट उड़ान तक नहीं भर पा रहे हैं जिससे आज म्यांमार को 560 मिलियन डॉलर का बड़ा चूना लग चुका है म्यांमार के इन जेफ सेवेंटीन थंडर में सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है की इन फाइटर जेट के अब इंजन भी स्टार्ट नहीं हो रहे हैं और अब ये 16 के 16 जेट 17 थंडर म्यांमार के एयर बेस पर ऐसे ही भंगार बने हुए खड़े हुए हैं और इन 16 फाइटर जेट में से 11 फाइटर जेट तो ऐसे हैं जिनके इंजन पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं और जो बचे हुए पांच फाइटर जेट हैं उनको देखते हुए म्यांमार की एयरफोर्स ने इन फाइटर जेट को उड़ान के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है जिस दौरान म्यांमार की तरफ से पाकिस्तान के साथ जे 17 सेवेंटीन थंडर फाइटर जेट की डील की गई थी उस समय पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि हमारा फाइटर जेट भारत के तेजस फाइटर जेट को काफी आराम से काउंटर कर सकता है और अब हकीकत देखा जाए तो पाकिस्तान का ये जे एफ सेवेंटीन थंडर फाइटर जेट म्यांमार के एयरबेस से ही मिसाइलों को लॉन्च कर रहा है और इन फाइटर जेट को देखते हुए म्यांमार की आर्मी के जनरल की तरफ से पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा गया है कि या तो हमारे पैसे हमको वापस कर दो नहीं तो हमको लेटेस्ट मॉडल के जे एफ सेवेंटीन थंडर दे दो नहीं तो हम आपके साथ उन डील को भी रद्द कर देंगे जो हमने आपके साथ भविष्य में करनी थी म्यांमार की सेना पाकिस्तान से मोटरशेल ग्रेनेड लैंड माइन और कुछ राइफल भी खरीदने वाली थी लेकिन अब पाकिस्तान के साथ इस डील के होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि एम की सेना का ये मानना है कि पाकिस्तान के प्रोडक्ट बिल्कुल घटिया क्वालिटी के हैं। और ये पाकिस्तान की दूसरी बार इंटरनेशनल बेज्जती हो चुकी है क्योंकि एक बार यूक्रेन की तरफ से भी इनके प्रोडक्ट को थर्ड क्वालिटी का बताया गया था और अब म्यांमार के कुछ ऑफिसर्स का मानना है कि इससे अच्छा तो हम भारत से पुराने मिग 21 फाइटर जेट ले लेते जिससे हमारे काफी पैसे भी बच जाते लेकिन अब म्यांमार की सेना इस बात की उम्मीद में बैठी हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से उनको लेटेस्ट जे एफ सेवेंटीन थंडर दिए जाएंगे लेकिन फिलहाल आप पाकिस्तान की तो हालत जानते ही हैं कि इनके पास रोटी खाने तक के पैसे नहीं है तो ये म्यांमार की सेना को कैसे जे एफ सेवेंटीन थंडर दे सकेंगे और अब आप भी कमेंट कर, कर बता सकते हैं कि जे एफ सेवनटीन थंडर को लेने का म्यांमार का सही फैसला था या फिर गलत इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे